नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव नारनौंद से एक बार फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ, नई सोच के साथ आपके सामने फिश के कल्चर को लेके जो बायोफ्लॉक टेक्निक है उसके बारे में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा हो चुका था जो हम टैंक इंस्टॉल करते हैं उसको लेके, और अब उसके बाद हमने बच्चे को कैसे सर्वाइव करवाना है, कैसे रोकना है, कैसे उसको आगे तैयार करना है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि 3 से 4 टैंकों में जो हमने हमारी फिशेज को हार्वेस्ट किया और जो आज हम करने जा रहे हैं वो आपको दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, जो हमने ग्रोथ ली है। ये वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो भाई इस काम को अनसक्सेस बताते हैं, 2 टैंक 3 टैंक लगा लेते हैं, उसका ध्यान नहीं देते या प्रॉपर उसको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते या अधूरी सोच के साथ इस काम को करते हैं। उन भाइयों के लिए ये है कि आप काम कर रहे हो तो एक बढ़िया सोच के साथ, बढ़िया सोच नहीं मतलब पूरी गाइडलाइन के साथ और प्रॉपर फोकस करके इसी काम पर, तभी आप सीख पाओगे। फर्स्ट टाइम में कोई महान नहीं हुआ, ना किसी को काम आया फर्स्ट टाइम में, आराम आराम से फर्स्ट टाइम बेस्ट होगा, नेक्स्ट टाइम उससे बेस्ट होगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। जल्दी हम हमारे टैंकों का पानी निकलने जा रहा है, निकल रहा है पानी, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पर टैंक से हमने कितना वेट, कितना बायोमास निकाला है। आगे काफ़ी भाई मैसेज करते हैं कि आपका फार्म कहाँ पे है। देखो, मेरा नंबर इसी चैनल पे मिलेगा आपको, जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। या आपको सीड चाहिए हो, या आप टैंक इंस्टॉल करने हैं, टैंक इंस्टॉल में भी हमारी एक वीडियो आने वाली है आपके पास में। जिस फार्मर ने हमसे टैंक इंस्टॉल करवाए या जो हमारे थ्रू चल रहे हैं, हमारी टीम के थ्रू चल रहे हैं, हमारी टीम है एक पूरी, उसके थ्रू चल रहे हैं, तो उनको क्या फील हुआ हमारे साथ काम करने में और कैसा लग रहा है, उनके आपको जो उन्होंने वीडियो बना के हमारे पास सेंड की हुई है उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ काम करने में वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और भाइयों, इस वीडियो में जो अब तक हमने जो वीडियो डाली उनके सारी वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे और हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। और फार्मिंग या आप नई सोच के साथ और बढ़िया काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने हमारे टैंकों से माल निकाला है वो 5 क्विंटल और 34 किलो आया है 3 टैंकों से, और इसमें जो हमारी छोटी फिश थी जो तैयार नहीं हुई थी और साइज़ वेरिएशन आता है वो भी ज़्यादा नहीं है, 60 ग्राम 70 ग्राम के आसपास है, जो हमने जितना माल निकाला है वो 100 ग्राम से 150 ग्राम 160 ग्राम 220 ग्राम की भी कवई थी हमारे पास में, जो हमने हमारे टैंकों से निकाली है। और जो हमारा माल बच गया वो सारा माल एक टैंक में शिफ्ट हो गया, अब उसको रेडी करके सर्दी से पहले उसको सेल कर देंगे। अब आ जाता है टॉपिक अगला सर्दी का। सर्दी को लेके काफ़ी बायोफ्लॉक वाले भाई परेशान हो रहे हैं, भाई सर्दी में हम कैसे करेंगे और सर्दी को लेके क्या क्या है। इसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनवा लिया है, जैसे सर्दी में हमारे टैंकों में काम करेगा और टेम्परेचर मेंटेन रखेगा वो हमारे टैंकों का, और एक उस टाइप का हमने ब्लोअर भी बनवाने की कोशिश की और वो बन गया। ब्लोअर में क्या है, वो जैसे हमारी एरिएशन चलती है तो सर्दी के टाइम में जब हमारी एरिएशन हमारे टैंक में जाएगी तो इतनी दूरी तय करेगी एयर, तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और जैसे हमारे पानी का टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उस दौरान ठंडी हवा घुसेगी तो 15 मिनट में हमारे पानी को बिल्कुल चिल्ड कर देगी, 12 डिग्री 15 डिग्री पे पहुंचा देगी, तो इससे हमारी फिशेज को प्रॉब्लम आएगी। इस बात को देखते हुए कि क्यों ना उसमें गर्म हवा दी जाए, और इस बात को देखते हुए हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा तैयार कर दिया। किसी भी किसान भाई को सर्दी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर सकते हैं। और एक बात, जैसे कि प्रैक्टिकल बेसिस पे कई भाई हैं काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे। प्रैक्टिकल में क्या है कि ऐसा ही काम आप 5,000-10,000 फीसिस पे करोगे, और ऐसा ही काम आप 500 या 5 फीसिस पे करोगे, घाटे का चांस ना हो, फायदे का चांस हो, फायदा हो, फायदा नहीं तो हम प्रैक्टिकल कर लें। अब हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम फिर हमारे लिए ये चीज़ फ्रेश रहेगी सर्दी वाली। तो मेरा मानना ये है, मेरी सोच ये है कि आप एक बार इसको प्रैक्टिकल करो सर्दी के दौरान, आप सर्दी से भागो मत, हर चीज़ का सलूशन है। अब पिछली बार से अब की बार बेस्ट होगा, नेक्स्ट टाइम उससे भी बेस्ट होगा। तो
आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे की बात ये है कि हम सर्दी के बाद हम जो काम करेंगे या सर्दी के बाद हम काम करेंगे तो हमारे पास क्या फ़ायदा है कि इन सर्दियों में हम इतना रिस्क लें या फ़ायदा लें। सर्दी में बच्चे का रेट कम आएगा तो हम उसको स्टॉक करेंगे 10-15%। सपोज करो कि हमारा बच्चा टूट गया या मर गया लगा लो, तो उसमें क्या है कि एक तो हमें बच्चे का रेट कम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो ग्रोथ भी कर जाएगा। आने वाली फार्मिंग मार्च अप्रैल में जब आप फार्मिंग के लिए चलोगे तो आपको बच्चा भी सस्ता मिला हुआ है और वो ग्रोथ भी कर चुका और आपके टैंक में पड़ा भी हुआ है। उसको नया कल्चर नया माहौल की ज़रूरत नहीं है और वो बढ़िया ग्रोथ करेगा और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा होगा उसको पालने के लिए। तो मेरे भाइयों, आप सीड स्टॉक कर सकते हो। इन सर्दियों में सीड स्टॉक करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो, या किसी भाई को चाहिए हो सीड तो आप उसको सीड को स्टॉक करो और फिर उसको सेल कर दो और अपनी फार्मिंग में जितना आप फार्मिंग में रखना चाहोगे वो आप सीड रख सकते हो। सामने एक नया बायोफ्लॉक से आपके सामने की ये नई वीडियो थी। इससे पहले भी हम आपके सामने काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। जैसे कि जयंत भाई ने बताया कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए जयंत भाई से आपको ज़रूर मिलेगी। इससे पहले भी काफ़ी बंदे यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी काफ़ी हेल्प भी हुई है। तो आशा रखते हैं कि सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना भी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीपनान यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।